మరి నువ్వు పెంటవా కసేమర్ పెగులు పడక ఫోటోలు ఉన్నాయి एकदम लागे पड़े का पेंट फूटो सब बर्बाद हो गए एकदम। मेरा लड़का 6 साल का था छोटा, पेंट ला दिए थे बैठिया काटे अरे क्या काट रहे पर भूख कर छे दवा अजा बाल हो गया एकदम तबाह है। अच्छा जुमा पढ़ने जाता है पेंट इतना नीचे पहनता है ना कसम मतलब उसकी नमाज नहीं होती। रुकू गए ना पेंट वा एकदम लड़े गए पास शर्म आया खत्म शादी भी हम देखिएगा खाना खिलाएगा बिरयानी पड़ाका डीजे सब करेगा लेकिन निकाह पढ़ाने टाइम ना बाप रहेगा जना ना बेटा बाप ना बेटी बाप कोई नहीं रहता है। 3-3 लाख खर्चा किया बेटी बाप लेकिन निकाह में शामिल नहीं होता। 50 गाड़ी लेके आया बेटा बाप शादी में लेकिन निकाह में शामिल नहीं। सब खाना खा के चला गया पड़ाका फूट गया डीजे बंद हो गया बराती अपने अपने घर दूल्हा चौकिया में 1 बजे रात मुर्गी की तरह जप रहा अभी तक निकाह नहीं हुआ है सब अपने अपने घर कोई नहीं खाली दूल्हा और एक दूगो उसके बहन हुई योगरे पछे कुकरे उठे लगते हैं कहते रात वो तेरा तो हो जाता खाली कुकरे रहे सब कसम खुदा खाली दुल्हा चुप मुर्गी तर जप कखन मौलवी साहब आते फंस के लिए ऐसे इमाम साहब आया रजिस्टर लेके बेचारा गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता। उतनी रात में खाली दूल्हा दूगो बहन हुई एक दूगो बूढ़ा अब क्या करेगा गवाह ही नहीं हजरत 2-3 को आदमी निकाह पड़ता है देखे कि नहीं। अब इमाम साहब बूढ़ा पूछता है चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे सिग्नेचर करना जानते हैं सही करना बलिटा चल तो कह रहती हम चल जाते होते रात में क्या देखे बलिटा जी उठवा चल तो कह चले दिए रात में क्या देख कबूल का आ? नहीं सुनता है ये हाल है इस कौम की हो गई है बताओ कैसे कामयाब हो वो। इसलिए मुसलमानों आए थे यहाँ याद नहीं जाना है कब मालूम नहीं सामान्य सफर सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं ठिकाना गौर है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा जागना है जाग ले अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। नूरी साहब आपका जलसा कामयाब है आप बोले थे 10 बजे तक मैं कहा था कि भाई मुझको 10 बजे छोड़ देना 1 बज गया कसम खुदा की वो जिसकी नानी है जरूर कोई नेकमल होगा कोई ना कोई नेकमल होगा माँ की वरना इतने मौलाना है ना शबीर साहब झारखंडिया और इतने उलमा को बुलाने लोगों को सोचना पड़ता है क्या और आपके माँ के 40 से पहुँच गए हम लोग को लोग महीना दिन पहले फ़ोन करता है अगर कोई फरवरी में कहेगा झारखंड से फरवरी में कोई तारीख दीजिए नहीं दे पाएंगे तो कोई तारीख खाली नहीं है सब तारीख बुक है मार्च में जलसा करेंगे ईद के बाद अगर कहिएगा तो आपको मेरे यहाँ आना है तो ईद के बाद ही इधर नहीं चूँकि हम लोग का डेली पर डे जलसा होता है जहाँ कल वहाँ लगा हुआ है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कुछ मौलाना भी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और हमारे नागादोरी में हम बहुत दिन के बाद आए एकदम तो दावत मिली थी हम आ नहीं पाए हम लोग का सिस्टम अलग है हम लोग यहाँ है बहुत अच्छा माहौल है और सुनने सुनाने का माहौल रहा शुरू से अब तक लोग नाथ खानी सुने बड़ा अच्छा सुना और ये जितने चैनल वाले भी आए हैं ये लोग बहुत दूर दराज से आए माशाल्लाह इन लोग का भी ख्याल रखना चाहिए ये लोग भी ये देखिए ये जलसा ये तकरीर इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए माशाल्लाह। मैंने आज आपको ख्वाजा के बारे में और कुछ मैयत के बारे में कुछ हालात पर जो फरमाइश थी मैंने बता दिया मैंने अलग मूड किया था तकरीर करने का लेकिन कहने हजरत आप जिस अंदाज बोलते वही बोलिए मेरी ज़्यादा तकरीर अगर सुनना हो मेरी तकरीर तो यूट्यूब चला जाना मेरी तकरीर बेटी पर बेटा पर सास पे दामाद पे निकाह शादी टोटल तकरीर मिलेगी मेरा नाम खाली कहिएगा मोबाइल में झारखंडी मौलाना या झारखंडी बाबा या सिद्दीक हसन झारखंडी तो मेरी तकरीर सुनने के लिए कहाँ जाना यूट्यूब चला जाना एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना एक बूढ़ा मिलाद के बाद आके खड़ा है हमारे चाचा जाइए घर बोल हाँ मौलाना साहेब आपने कहा कि तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना तो यूट्यूब जब भाड़ा कते लगते हो कल ये भाड़ा नहीं लगता चाचा झारखंडी साहब के मोबाइल में अपने अपने मोबाइल में दबाइएगा तब झारखंडी ऊपर बोलता हूँ ऊपर चल जाए मैंने कल ये हम ऊपर ने मोबाइल हम ऊपर भेजा वो देख लिए
माँ सिद्धि हसन झारखंडी, यूट्यूब में लोग बहुत देखते हैं, और माशाल्लाह ख्वाहिश थी लोगों को कि भाई सामने से देखेंगे तो माशाल्लाह मैं इसी इलाके का कर्मटन घोषवाद के रहने वाले हैं, लेकिन लोग जामतरा से मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा झारखंडी मौलाना से, कहीं अगर कोई मामला फंस जाए चाहे भागलपुर हो चाहे गिरिडीह हजारीबाग देवघर रांची झारखंड बंगाल बिहार कहीं भी, तो खाली झारखंडी साहब को कहिए कि वो जानते हैं उसी इलाके के हम हैं, इंशाल्लाह लोग मदद करेगा। इतने लोग मानते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए अगर माँ बाप आपके घर में है बहुत बड़ी दौलत है, अभी ज़िंदा है खिला पिला लो, मरने के बाद नहीं कर सकोगे, और उससे मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। बेटा बेटी पे नज़र रखो, माहौल बहुत ख़तरनाक है बेटियों पर बेटों पर, और मौत की तैयारी करो। पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।